डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स में लैंडलॉर्ड के यहाँ बनाए जाने वाले खाते। पिछली वीडियो में हमने आपसे शेयर किए थे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ लीजी और लैंडलॉर्ड, और इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ लीजी और इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर अपने सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वे COVID-19 से बचाव के नियमों का सख्ती के साथ पालन खुद भी करें और अन्य लोगों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक रॉयल्टी अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट के अंतर्गत बनाए जाने वाले अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लीजी और लैंडलॉर्ड। तो यहाँ आपके साथ एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। अनु कोल कंपनी टुक ए कोल माइन ऑन लीज फ्रॉम तरु लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लीज। रॉयल्टी वाज डिसाइडेड एट द रेट 3 rupees पर टन, मिनिमम रेंट इज 50,000 पर ईयर, शॉर्ट वर्किंग ईच ईयर कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग सबसिक्वेंट 3 years, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 years हैज बीन फॉलोड। ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड प्रोडक्शन इन टर्न। फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 21,000 एंड फोर्थ ईयर 18,000। प्रीपेयर ए नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ अनु कोल कंपनी। नेक्स्ट, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ आपके सामने एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और एनालिसिस टेबल में जैसे देख रहे, पहला कॉलम ईयर का, सेकंड आउटपुट का, थर्ड इज रॉयल्टी, फोर्थ मिनिमम रेंट, फिफ्थ शॉर्ट वर्किंग, सिक्स सरप्लस, सेवन शॉर्ट वर्किंग रिकवर, एट्थ पेमेंट टू लैंडलॉर्ड एंड नाइन्थ अनरिकवर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट इन फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आउटपुट इज जैसे कि क्वेश्चन में दी गई है 8,000, 10,000, 21 एंड 18,000 एंड रॉयल्टी एट द रुपीज 3 rupees पर टन। सो फर्स्ट ईयर रॉयल्टी इज 8,000 मल्टीप्लाई 3 24, 10,000 मल्टीप्लाई 3 30, 21,000 3 मल्टीप्लाई 63, 18 मल्टीप्लाई 3 54। एंड नाउ इन नेक्स्ट कॉलम इज मिनिमम रेंट एंड मिनिमम रेंट अमाउंट इज 50,000 पर ईयर। सो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर मिनिमम रेंट इज 50,000। एंड नाउ इज द नेक्स्ट कॉलम इज शॉर्ट वर्किंग एंड सरप्लस। As we know very well that short working equal to minimum rent minus royalty and surplus equal to royalty minus minimum rent. If minimum rent is greater, then royalty difference is short working, and if royalty is greater in place of minimum rent, so difference is surplus. So in first year, minimum rent is greater in place of royalty, the difference in 26,000 is short working. In second year, the difference between royalty and minimum rent is 50,000. So difference is 20,000 is short working, and in next year royalty is greater in place of minimum rent, the difference is 13,000 is surplus. And in fourth year royalty is 54 and minimum rent is 50, the difference 4,000 is a surplus. And now calculate the short working recover and unrecover amount as the given in the question. जैसा कि दिया है प्रश्न में,
शॉर्ट वर्किंग को कवर करने की कंडीशन आगामी 3 वर्ष बताई गई है कि किसी भी वर्ष का शॉर्ट वर्किंग वी कैन कवर इन नेक्स्ट 3 ईयर. सो इन फर्स्ट ईयर 26,000 इज शॉर्ट वर्किंग, बट इन सेकेंड थर्ड इन थर्ड ईयर इज सरप्लस इज 13,000. तो 13,000 का शॉर्ट वर्किंग कवर कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर का आप देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग 26, 13 यहाँ पर हमने कवर कर लिया. अब नेक्स्ट ईयर आप देख रहे हैं सरप्लस 4,000 है और हमारा फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग जो है वो 13,000 बचा हुआ है, जिसमें से हम 4,000 कवर कर लेते हैं. और अब रिमेनिंग शॉर्ट वर्किंग इज ऑफ फर्स्ट ईयर इज 9,000 और इसका पीरियड ख़त्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर समाप्त होते हैं. तो ये 9,000 का शॉर्ट वर्किंग हम अनरिकवर में ट्रांसफ़र कर देंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट वाले कॉलम में फोर्थ में 9,000. अब सेकंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग हम फोर्थ ईयर में नहीं कवर कर सकते क्योंकि अगले 3 साल होने में भी 1 वर्ष है, इसीलिए ये 20,000 शॉर्ट वर्किंग कैरिड फॉरवर्ड. तो अब नेक्स्ट कॉलम है पेमेंट का. यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि इफ़ मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर इन प्लेस रॉयल्टी वी विल पेड द मिनिमम रेंट. सो फर्स्ट ईयर पेमेंट इज़ 50, सेकेंड ईयर इज आल्सो 50, बट इन थर्ड ईयर रॉयल्टी इज़ ग्रेटर इन प्लेस ऑफ मिनिमम, बट पेमेंट विल बी पेड रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर. सो 63,000 इज रॉयल्टी और माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर इज 13,000. सो डिफरेंस इज 50,000 विल पेड इन फोर्थ ईयर. रॉयल्टी इज 54 बट मिनिमम रेंट इज 50. Then 54,000 minus short working recovery is 4,000. So difference is 50,000 will paid. तो देखा, ये आपके सामने यहाँ पर थी analysis table. अब इस question में जैसे कि last video में हमने बनाई थी journal entry in the book of Lizzie, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं नेसेसरी अकाउंट इन द बुक ऑफ लीजी. तो लीजी के यहाँ पहला अकाउंट होगा रॉयल्टी अकाउंट. रॉयल्टी अकाउंट कॉलम इसके ईयर पर्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट, ईयर पर्टिकुलर जनरल वैल्यू और अमाउंट. तो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप ध्यान कीजिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट एंट्री क्या बनाते थे, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. तो जैसे कि रॉयल्टी डेबिट में थी तो रॉयल्टी के डेबिट में हम टू लैंडलॉर्ड, तरु नाम है लैंडलॉर्ड का, तो यहाँ लिख देंगे रॉयल्टी के डेबिट में टू तरु लिमिटेड 24,000. और थर्ड एंट्री हम बनाते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए. तो पीएल, इसीलिए रॉयल्टी अकाउंट के क्रेडिट में बाय पीएल अकाउंट से अमाउंट लिख दी जाएगी 24,000 और इसे बंद कर दिया जाएगा अकाउंट को. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर, इन सभी ईयर में हम एक बार फिर वही टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड हमारा तनु है, तरु है, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल 30,000 से. उसके बाद इन थर्ड ईयर टू तरु लिमिटेड बाय पीएल 63 से और टू तरु बाय पीएल 54 से ये हम अकाउंट बनाकर बंद कर देंगे. नेक्स्ट अकाउंट, अगला अकाउंट हम तैयार करते हैं जिसका नाम है हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड तरु. तो लैंडलॉर्ड अकाउंट हम तैयार करते हैं और फिर आप देखिए एक बार फिर हम जनरल एंट्री अपने माइंड में याद करते हैं. फर्स्ट ईयर की एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. सो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में हमने लिखा बाय रॉयल्टी 24 और बाय शॉर्ट वर्किंग 64.
जैसे कि ये ऊपर एनालिसिस टेबल में आप देख सकते हैं 26 शॉर्ट वर्किंग, 24 रॉयल्टी दी गई है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट ईयर में भी, यहाँ पहले साल में हमने बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग लिखा और इसका पेमेंट करते हुए एंट्री की थी हमने लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड के डेबिट में टू बैंक लिख कर ये अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर में एक बार फिर आप देख रहे हैं बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग 30,000 20,000 टोटल हो गया 50 और डेबिट में टू बैंक के नाम से एंट्री कर दी जाएगी। थर्ड ईयर में यदि हम देखें तो आप देख रहे हैं हमारी रॉयल्टी बढ़ी है, तो बाय रॉयल्टी क्रेडिट में 63 ये हमारे पास हमारी जो एंट्री है ऊपर हम देखते हैं एनालिसिस टेबल में 63,000, तो 63,000 बाय रॉयल्टी हम लिख देंगे बाय रॉयल्टी, और डेबिट में जब एंट्री करेंगे तो हमने टू बैंक केवल 50 दिया और 13,000 से शॉर्ट वर्किंग को कवर किया था, तो एंट्री की जाएगी टू शॉर्ट वर्किंग रिकवर और टू बैंक, शॉर्ट वर्किंग रिकवर 13,000 और बैंक अकाउंट 50,000, तो 63 हो गया। और फोर्थ ईयर में जैसे कि आप एनालिसिस टेबल में देख रहे हैं हमारे पास रॉयल्टी 54 बढ़ी है, तो यहाँ पर हमने पोस्टिंग जो करनी है बाय रॉयल्टी अकाउंट 54, और जब पेमेंट किया तो एक बार फिर एनालिसिस टेबल में देखिए कि पेमेंट किया 50 का और 4 का शॉर्ट वर्किंग रिकवर, तो यहाँ पर बाय शॉर्ट वर्किंग रिकवर 4 और टू बैंक 50, तो यहाँ पर ये अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट अकाउंट है हमारा शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट स्पेशली जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा उस साल के लिए बनता है। पहले साल हमारा हमने जब एंट्री की थी शॉर्ट वर्किंग को डेबिट किया था, तो शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड 26,000 हमने ये कंप्लीट कर दिया। और ये चूंकि फर्स्ट ईयर में इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ कि रिकवर होना है या कवर होना है, तो इसीलिए पहले साल बैलेंस 26 रहा, ये बैलेंस अगले साल डेबिट में लेके आए 26, और इस साल फिर से हमारा शॉर्ट वर्किंग जो है वो 20,000 है, तो टोटल हमारा 46,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ। इस बैलेंस को तीसरे साल इस बैलेंस को लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर 46 हो गया, और इस साल शॉर्ट वर्किंग कवर जो किया गया वो 13,000 किया था लैंडलॉर्ड से, तो बैलेंस 33 बचा, और 33 बैलेंस डेबिट में आकर इस साल हमने कवर किया था 4,000, और 9,000 अनरिकवर पीएल में ट्रांसफ़र किया था, और बाकी बचा चूँकि अभी उसका पीरियड पूरा नहीं हुआ था बैलेंस सीडी। एक बात ध्यान रखिए, जहाँ भी आप पोस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम फेल कर रहे हैं वहाँ पर तुरंत आपको अपने माइंड में जर्नल एंट्री आप माइंड मेकअप कीजिए कि जर्नल एंट्री क्या बननी थी उसकी, और उसकी तुरंत पोस्टिंग कीजिए, क्योंकि अकाउंट हमारे जर्नल एंट्री से ही बनते हैं। डायरेक्ट अकाउंट को रटना ये सॉल्यूशन नहीं है, तो आप जर्नल एंट्री माइंड मेकअप कीजिए और तब उसका देखते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि हमने रॉयल्टी अकाउंट का किया, और जिसमें हमने नेसेसरी अकाउंट्स बनाए इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड। जहाँ तक बात करें अकाउंट इन द बुक ऑफ लीजी, ये आपके सामने थे, और अकाउंट अगर हमें इन द बुक ऑफ लैंडलॉर्ड बनाने हैं तो इनका रिवर्स हो जाएगा, चूँकि जर्नल एंट्री हमें पता है, जब हमने जर्नल एंट्री बनाई इन द बुक ऑफ लीजी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड,
तो लैंडलॉर्ड की यहाँ जो एंट्री बनेगी वो होगी लीजी डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। तो वहाँ पर अकाउंट में हम जब बना रहे होंगे लीजी का अकाउंट, तो लीजी के अकाउंट के डेबिट में टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग करेंगे और बाय कैश। तो इस तरीके से उसकी रिवर्स एंट्री करते हुए आप बना के देखिए अकाउंट में, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। और हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन को करने में तो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर से डिस्कस कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में हम आप एक और कॉन्सेप्ट इसकी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नजराना। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।